हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर सी डिज़र्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है केक वाला फ्लावर पॉट। अगर आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं या फिर आपको किसी को सरप्राइज करना है तो आप डेफिनेटली ये वाला केक बना सकते हैं। थोड़ा सा डेलिकेट इसका प्रोसीजर है, बट रिजल्ट एकदम अमेजिंग आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लांटर के लिए मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट कुकी। मैं ओरियो बिस्किट्स या ओरियो कुकीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो हमें इसकी क्रीम निकाल देनी है। इस क्रीम को आप आगे यूज़ कर सकते हैं, बट शुरुआत में इसे निकालें और इन ओरियो कुकीज़ की फाइन पाउडर बना दें। अगर आपको ओरियो से मिलती जुलती कोई और कुकी मिलती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी मिट्टी जो कि रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। ठंडी ठंडी व्हिपिंग क्रीम ले, उसमें डालें कोको पाउडर। यहाँ पे मैं नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिसमें पहले से ही चीनी होती है। आप डेयरी अगर यूज़ करते हैं तो आप 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डालें। अगर आपको थोड़ी और मिठास चाहिए तो आप थोड़ी सी चीनी और भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डालें, क्योंकि जो डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ये व्हिप्ड क्रीम हमारी रेडी है। स्टिफ पीक्स इसके हो गए हैं, तुरंत यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फ्रिज में रखें। अब जो वास है, यानी हमारा जो प्लांटर है, गमला, उसे बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर कप्स। पेपर कप के जो ऊपर का हिस्सा है, रिम है, ये कड़क होता है। इसे आप पहले ही कट कर दें, वरना इसे निकालते निकालते बाद में चॉकलेट का शेल टूट सकता है। एक हल्का सा कट लगा कर रखें, इससे आपको आसानी होगी बाद में इसे फाड़ने में। छोटा सा ही कट लगाएं, बहुत ज़रूरी स्टेप है। मैं 2 प्लांटर्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लासेस लिए हैं। अब इसका शेल मैं बना रही हूँ कंपाउंड से। कंपाउंड ज़्यादा जल्दी पिघलता नहीं है, ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप प्योर चॉकलेट यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है गर्मी के मौसम में। एसी लगाकर काम करें, ज़रा ध्यान रखें। चॉकलेट को माइक्रोवेव करें या फिर डबल बॉयलर यानी गर्म पानी के बोल के ऊपर मेल्ट करें। अब मेल्टेड चॉकलेट को कप्स के अंदर डालें। थोड़ी एक्स्ट्रा चॉकलेट डालें, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। अपने कप को इस तरह से घुमाएं ताकि चॉकलेट पूरी तरफ से लग जाए। अच्छी एक कोटिंग हो जानी चाहिए, और जब कप अंदर से पूरी तरह कोट हो जाए तो एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप निकाल दें। काफ़ी मज़ेदार ये रेसिपी है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पार्ट है इस रेसिपी का वो है इसका शेल बनाना, यानी जो गमला है वो बनाना। अब जब आप एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे और इस कप को वापस सीधा रखेंगे तो ऊपर की जो लेयर है चॉकलेट की, वो ज़रा पतली हो जाएगी जब चॉकलेट नीचे आने लगेगी। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ एक और कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा वाला ग्लास भी फिल करना है। यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे ही आप एक ग्लास रेडी करें उसे तुरंत फ्रिज में रखें, ताकि पूरी जो साइड की चॉकलेट है वो नीचे आने से पहले ही जमनी शुरू हो जाए। अगर आप अपने काउंटर पे एक साथ सारे कप्स रेडी करेंगे तब तक काफ़ी चॉकलेट नीचे की तरफ सेटल हो चुकी होगी, तो फ्रिज में रखते जाएं। फ्रिज में एक बार ही सेट हो जाए, उसके बाद जो ऊपर की एजेस है यहाँ पर आप फिर से चॉकलेट लगाएं। अगर आपको हल्का सा कहीं पर क्रैक दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर भी चॉकलेट लगाएं। फिर से इसे रेफ्रिजरेटर में रखें सेट होने के लिए। उसके बाद निकालें, वो हिस्सा ढूंढें जहाँ पर आपने कट लगाया था, और बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे कागज़ जैसे फटते जा रहा है ऐसे फाड़ते रहे। जहाँ पर पेपर कप का जॉइंट है वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, वहाँ मैंने कैंची से फिर से कट लगाया है। ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करें। जब आप चॉकलेट को निकाल ले पेपर कप से तो इसे ज़्यादा देर हाथ में ना पकड़ें, वरना जो हाथ है, फिंगर्स, उसकी गर्मियों से चॉकलेट मेल्ट हो सकती है। तुरंत इसे काउंटर पर रख दें। इसी तरह से दूसरा भी शेल आप बना लें। शेल्स बनाने के बाद एक प्लेट में रखें। अगर आप इसे तुरंत नहीं बना रहे हैं तब इसे प्लेट में रख के फ्रिज में रखें, ताकि ये सेट रहे, ये पिघले ना। तो हमारा गमला अब रेडी है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर मैं रेडीमेड चॉकलेट केक यूज़ कर रही हूँ, पर इस चॉकलेट शेल के अंदर आप कोई और केक डालना चाहते हैं, जैसे कि रेड वेलवेट या फिर कोई भी ऐसा फ्लेवर जो चॉकलेट के साथ अच्छा लगेगा, आप वो डाल सकते हैं। पहले आप कप्स को हल्के हाथ से डस्ट कर लें। यहाँ पर मैं सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कोको पाउडर लगाने से बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला लुक आएगा, जैसे कि ये जो हमारा गमला है ये थोड़ा मिट्टी में ख़राब हुआ है। ये स्टेप आप प्लेट पर रख के ही करें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कोको पाउडर है वो आप निकाल सके। अब सबसे पहली लेयर में लगा रही हूँ व्हिप्ड क्रीम की, और इसके बाद डाला है मैंने इसमें केक। केक भी आप होममेड बना सकते हैं। एक लेयर क्रीम की, इसके बाद केक, और फिर से एक लेयर क्रीम की। ऐसे ऑल्टरनेट लेयर्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बाद में इस प्लांटर को कट करने के बाद ये लेयर्स बहुत सुंदर लगती है, और ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई फालतू सी चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ जो अच्छी है दिखने में बट टेस्ट अच्छा नहीं है। तो अच्छा सा केक लगाएं, क्रीम की लेयर लगाएं।
ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे ऐसी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब बच्चों को हमेशा तो स्वीट एंड डिज़र्ट हम नहीं देते हैं, बट वंस इन अ वाइल अगर कभी कुछ बना रहे हैं, उनके लिए होममेड है, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। सबसे ऊपर मैं डाल रही हूँ मिट्टी, यानी क्रश्ड ओरियो, ओरियो की पाउडर। इसे भी आप दबाएं ना, प्रेस ना करें, नेचुरल लुक आना चाहिए मिट्टी वाला। और आखिर में पुदीना, तो पुदीने की डंडी है। अब पुदीना और चॉकलेट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको केक को खाते समय पुदीने को निकाल कर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चॉकलेट की बाइट के साथ पुदीना भी खा सकते हैं, नहीं खाना है तो निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा प्लांटर रेडी है। इसे पहले अगर बनाकर रखते हैं तो एक टिप दूंगी कि पुदीने का पत्ता पहले ना लगाएं, पहले केवल प्लांटर्स बनाकर फ्रिज में रखें, जब सर्व करना हो तभी पुदीना लगाएं, वरना वो मुरझा जाएगा। हमारा सुंदर सा खाने वाला गमला केक रेडी है। कैसा लगा आपको ये डिज़र्ट? दिखने में बहुत सुंदर लगता है और ये किसी को कंफ्यूज कर सकता है। सच में ओरियो वाली जो मिट्टी है ना, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की तरह लगती है, और पुदीना उसमें सच में रियल का एक प्लांट लगता है। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने कैसे लोगों को सरप्राइज़ किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।